इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग ये चीज से बचो, 50,000 का जुर्माना है, फिर बाद में मत रोया करो हमारा, हम लोग गरीब है हम लोग ये। कतर हिंदू एजेंटों को चेतावनी, अगर नहीं माने तो 50,000 रियाल जो है आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, चाहे लेबर हो चाहे एजेंट हो। इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि अगर इस वीडियो में जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो में यही दिखाया गया है कि जो है कि हमारे इंडिया के अंदर में हिंदू एजेंट हो चाहे मुस्लिम एजेंट हो चाहे कोई भी हो, अगर लेबर को जो है धोखाधड़ी से भेजते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट ये है कि अगर कोई भी लेबर अगर प्राइवेट ऑफिस से जाता है, अगर उनका पैसा नुकसान होता है और कतर के अंदर में उनके साथ में शोषण होता है तो वो जिम्मेदारी लेबर की है, एजेंट की नहीं है। क्योंकि बार बार आपको समझा जाता है कि कभी भी आपको अप्लाई करना है तो जो है आप ब्रांडेड ऑफिस से अप्लाई करें, ना कि आप प्राइवेट ऑफिस से। बहुत लोग जो है प्राइवेट ऑफिस से अप्लाई इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको सैलरी अच्छा मिलता है और इसी का शिकार होते हैं ये लोग, जितने भी लेबर हैं इन्हीं का शिकार होते हैं। लेबर का जो सैलरी होता है कतर के अंदर में 1,000 रियाल, अगर प्राइवेट ऑफिस है अगर आपको सैलरी 1,500 रियाल देता है तो आप लोग चले जाते हैं वहां पे पासपोर्ट लगाने के लिए और इसी के साथ में ऐसा गेम होता है। भाई साहब आपको तो सबसे पहली बात कि आपको एक चीज की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, कोई भी ट्रेड में सैलरी जो है फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर लेबर का सैलरी 1,000 है तो आपको कहीं से 1,500 लेबर का सैलरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो फिक्स है वो फिक्स है, टेक्नीशियन का सैलरी भी इसमें फिक्स है, असिस्टेंट का अलग सैलरी है, टेक्नीशियन का अलग सैलरी है, ड्राइवर का सैलरी अलग है, हर चीज का जैसे सैलरी फिक्स है। लेकिन आप लोग फिर भी नहीं मानते हैं, अधिक सैलरी के लालच में आप लोग पासपोर्ट जमा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कतर के शेख का वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में आपको बहुत अच्छी ही नॉलेज मिलने वाली है और जेन्युइन तरीके से आपको नॉलेज मिलने वाली है, पहले आप वीडियो देख लीजिए। अरे भाई लोग ये भी याद रखो, अगर आपका पास वीजा है घर का तुम लाजम वही कफील के साथ उसका घर में काम करेगा, चाहे ड्राइवर हो चाहे शेफ हो चाहे मुजारा हो, कुछ भी उसका साथ लाजम काम करेगा। दूसरा आदमी का साथ काम किया तुम्हारे ऊपर जुर्म है भी, वो भी 50,000 है तुम्हारा और तुम्हारे अरबाब का और जो तुमको काम दिया, ये एक। और कंपनी का भी, जो तुमको वीजा दिया कंपनी में लाजम तुम काम करेगा, अगर वही कंपनी का वीजा में तुम काम नहीं किया दूसरा जगह में काम किया, ये भी जुर्म है आपके ऊपर और तुम्हारा कंपनी के ऊपर और दूसरा कंपनी जो आपको काम दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग ये चीज से बचो, 50,000 का जुर्माना है, फिर बाद में मत रोयो करो हमारा, हम लोग गरीब है हम लोग, आप लोग खुद ये करता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, प्लीज ये सब धंधा छोड़ो, ये गुनाह मत करो गरीब लोग के ऊपर, गरीब लोग नहीं जानते, तुम लोग उन लोग को मदद करो जितना सकता है, नहीं उन लोग को बर्बाद करो। जैसा आपका पास फैमिली है, आप भी खा रहा है जी रहा है, उन लोग के पास भी बेचारा लोग फैमिली बच्चा मच्चा है। तो आप लोग को हम प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, ये हराम का गुना चीज मत करो वीजा का, तुम लोग बस गरीब को ऐसा बर्बाद करके देता है। अगर वो कोई भी है सुन रहा है, अब मालूम है शायद हमसे नफरत हो गया कि हम उसका बिजनेस अभी खराब किया, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये गुनाह का है, काम का एक हराम का खाना वाला है। तो इसलिए ये हराम छोड़ो, शायद अल्लाह माफ करेगा, अभी भी टाइम है, हराम है, ये गरीब लोग को बर्बाद करे, ये वीजा वीजा का धंधा छोड़ो मेरे भाई लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा जो है कतर के शेख आपको कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। देखिए हमारे इंडिया में जितने भी एजेंट हैं और वो गलत तरीके से भेजते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ लेबर की होती है, क्योंकि लेबर ही है जो एजेंटों के पास जाते हैं और वहां पे काम करवाते हैं। वहां पे आपको दो तरह से गेम होता है, पहले एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक तो ऑफिस चार्ज, अगर प्राइवेट ऑफिस से आप पासपोर्ट लगाते हैं तो एक तो ऑफिस चार्ज, दूसरा मेडिकल। अगर जो है जो ऑफिस पे ब्रांडेड ऑफिस पे आपका 40,000-50,000 में काम हो जाएगा, वही प्राइवेट ऑफिस से आपको 80,000 1-1 लाख रुपए चार्ज लेते हैं। दूसरी गमका मेडिकल, अगर गमका मेडिकल सॉरी गमका मेडिकल नहीं जो है क्यूबीसी मेडिकल होता है, लेकिन जो है प्राइवेट ऑफिस वाले आपको नॉर्मल मेडिकल करवाते हैं। जैसे ही आप कहीं कोई भी प्राइवेट ऑफिस पे सीबी सिलेक्शन में पासपोर्ट लगाते हैं, सीबी सिलेक्शन में सैलरी आपको ज्यादा ही मिलता है, जिसका सैलरी 1,000 है उसमें दिखाएगा 1,300 रियाल। इसलिए कभी भी सीबी सिलेक्शन पे भरोसा मत कीजिएगा।
सीवी सिलेक्शन पे आपने पासपोर्ट लगा दिया, 2-3 दिन के बाद आपके यहाँ फोन आएगा कि सर जो है आपका जो है मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में आपका एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि आप सिलेक्शन हो गया है, आप जो है मेडिकल कराने के लिए तैयार हो जाए। मेडिकल का सेंटर उन्हीं लोगों का होता है, वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जाइए आपको पता मिल जाएगा, यहाँ पे जाइए आपको मेडिकल यहाँ पे करा लेना है, रिपोर्ट वहीं पे छोड़ देना है, बाकी हम लोग देख लेंगे। आप लोग जाएंगे वहां पर मेडिकल करवाएंगे, ऐसे में करके सैकड़ों लोग जो है मेडिकल करवाते हैं, सैकड़ों लोग। अगर उसके बाद मेडिकल करवा के घर पर चले आएंगे, 2-3 महीना हो जाएगा, क्या तो वीजा नहीं आया। इसमें आपका कितना नुकसान हुआ? मात्र 4,000 रुपए, लेकिन एजेंट का कितना फायदा हुआ? 3 लाख रुपए। अगर 100 आदमी भी अगर मेडिकल करवा लेता है, 3-3 हजार रुपए के हिसाब से 100 आदमी का 3 लाख रुपए होते हैं, वो 3 लाख रुपए उसके पॉकेट में चले गए। इस तरह से स्कैम होता है, तो आपको इस बात पे सावधानी बरतनी पड़ेगी और बहुत कुछ सीखने की आपको बाकी है, बहुत कुछ जानने को आपके बाकी है। तो ऐसे ही वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है शेयर कर दीजिए। चलिए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।